अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. टुडे माय टॉपिक इज़ वल्चर्स ऑफ पाकिस्तान. एंड इन दिस स्लाइड वी टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट अबाउट क्लासिफिकेशन करैक्टरिस्टिक वल्चर्स फीडिंग टाइप्स ऑफ वल्चर्स इकोसिस्टम में वल्चर्स का काम है वल्चर्स फैक्ट्स थ्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. देन स्टार्ट आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया फाइलम कॉर्डेटा क्लास एविस एंड फैमिलीज कैथराडा. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके लार्ज ब्रॉड विंग्स होते हैं और जो इन्हें मोर देन 2 आवर्स फ्लाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन स्काई. और बेल्ड हेड होते हैं और बेल्ड थ्रोट होते हैं जो ये डिकम्पोजर होते हैं और डिकम्पोज करते हैं दूसरे जो मर जाते हैं ना ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उन्हें खाते हैं. तो इस वजह से इनके बेल्ड होते हैं क्योंकि इनके बाल नहीं होते सर पे भी नहीं होते और गले में भी नहीं होते ताकि इनके जो ये गंदे ना हो जाएं डर्टी ना हो जाएं. और इनकी गुड आईसाइट होती है. इनकी स्कैनिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं. फास्टर फ्लाइट होती है. ब्लैक विद वाइट हेड्स होते हैं. ह्यूज ब्लैक बीक होते हैं जो डिकम्पोज़र के लिए बहुत हेल्प होते हैं. ये डिकम्पोज़र है ना जो खाने में बहुत हेल्प करते हैं. इन्हें फ्लैश या कार्निवर्स होते हैं तो वो खाने में इन्हें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. और क्लोज स्मॉलर दैन एनी बर्ड. इनके दूसरे बर्ड से स्मॉल होते हैं इनके पंजे. और फिर ये क्या खाते हैं. ये क्रियॉन्स खाते हैं. क्रियॉन्स क्या होता है. डेड एनिमल्स और बर्ड्स वो क्रियॉन्स होते हैं. इंसेक्ट्स खाते हैं. रोडेंट्स खाते हैं. गार्बेज खाते हैं. एक्सक्रीमेंट खाते हैं. लैम्स भी खाते हैं. टर्टाइज भी खाते हैं. फिर हम बात करें स्पीशीज़ कितनी है. पाकिस्तान में इनकी 8 स्पीशीज़ हैं. सबसे पहले सिनेरस वल्चर ये होते हैं माउंटेन्स में और क्लिफ्स में. इजिप्टन वल्चर्स ये भी माउंटेन्स लोअर माउंटेन्स में होते हैं. वाइट रम वल्चर्स ये टोल ट्रीज़ में होते हैं. इंडियन वल्चर्स ये भी टोल ट्रीज़ में होते हैं. हिमालयन ये चाइना अफगानिस्तान कजाकिस्तान में होते हैं. रेड हेडेड वल्चर्स जो होते हैं ये माउंटेन्स में रहते हैं. बेर्ड वल्चर्स टोल ट्रीज़ में रहते हैं. एंड ग्रीफोन वल्चर्स रॉकी एरियाज में रहते हैं. फिर जब वल्चर्स पीपल और इन्वायरमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ये गार्बेज कलेक्टर होते हैं. दे ईट क्रियॉन्स. जैसे कोई मुर्दा मर जाता है तो उसे कब्र में दफना दिया जाता है. अगर ना दफनाया जाए तो उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है. ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं. उनका ये थोड़ा ना करते हैं हम अलग कब्र खोदें और उन्हें दफन करें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. तो इनके हमने अल्लाह ताला ने एक बैलेंस बनाया हुआ है तो ये उन्हें खाते हैं. ये बहुत रेयर केस होता है कि किसी को मार के खाएं. ये डेड को ही ज़्यादा खाते हैं और ये इस बात से फ़ायदा देते हैं. और वल्चर्स डिसीज़ को रोकते हैं. रैबिस हो गए प्लग हो गया जो एनिमल से क्रिएटेड होते हैं. लाइक एनिमल मर जाते हैं जिनकी वजह से डिसीज़ फैलती हैं तो उसको ये बचा लेते हैं हमें उन डिसीज़ से. और जब ये कंज्यूम करते हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा होता है कि अगर कोई एनिमल मरा है उसको किसी डिसीज़ ने हमला कर दिया ये इनको वो डिसीज़ ना टच नहीं करेगी. ये उनसे बच जाएंगे डिसीज़ से. जैसे हो गया ब्यूटलिज्म एंथ्रैक्स. और चौथी बात वल्चर्स हैव कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंट इन इंडिया एंड अदर ग्रुप्स के. कुछ कहते हैं कि ये बैड लक होते हैं लेकिन इंडिया में इन्हें गॉड इस वजह से माना जाता है. बिहाइंड द स्टोरीज की ये है कि इनके जो राम सीता हैं रावण जो है सीता को ले जाता है और फिर उस सीता को बचाने के लिए ये जो हैं वल्चर्स ये हीरो एंट्री करते हैं और ख़ुद मर जाते हैं. तो इसके लिए ये इनके लिए बहुत ज़्यादा गोड की टाइप हुए और ये आगे से उन्हें गोड मारने लग गए इंडियन पीपल. और फिर वल्चर्स फैक्ट्स बता देते हैं कि वल्चर्स एक्सट्रीमली कोरेसिव स्टमक एसिड होता है कि कुछ भी वो कहते नहीं लखर हजम पत्थर हजम होते हैं. ये वल्चर्स के यूरिनेट डाउन देयर लेग्स. ये यूरिनेट करते हैं लेग्स से डाउन देयर लेग्स. और ये ना मतलब जो मरा हुआ होता है नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटी बैक्टीरिया होता है यूरिनेट ना इसको ये जो इनका यूरिन होता है ये एंटी बैक्टीरिया होता है. और जर्म्स जो होते हैं ना जिनको उन्होंने खाना होता है उसे साफ़ कर देता है. और जो आगे न्यू वर्ल्ड वल्चर्स होंगे उनका वोकल ऑर्गन नहीं होगा
और जो ओल्ड वर्ल्ड वर्कर्स हैं वो वल्चर्स जो हैं साइड पे करते थे ना, कि देखते थे फिर फाइंड करते थे स्कैन करके फूड को। लेकिन जो आगे वल्चर्स होंगे वो मिलियन अवे, 1 माइल ना अवे वल्चर जो होंगे ना, स्मेल करके फूड तक पहुंच जाएंगे। मोर देन हाफ ऑफ ऑल वल्चर्स आर एंडेंजर्ड हो गए हुए हैं, और जब भी थ्रेटेंड होंगे ना तो ये वॉमिट करने लग जाएंगे। और इन्हें थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, हम कटिंग ऑफ ट्रीज़ करते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, इनके नेस्ट वगैरह कट जाते हैं, और फार्मर्स, और लेड पॉइजनिंग, मतलब हमारे पोल्यूशन बहुत हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, स्मोक की वजह से भी इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनकी हमारी नहीं सिर्फ हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करता है, इनकी भी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा करते हैं पोल्यूट। और द फर्स्ट सैटरडे इन सितंबर ईच ईयर इज़ इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे, ठीक है ना। फर्स्ट सैटरडे सितंबर का हर एवरी ईयर का ना अवेयरनेस डे होता है, क्योंकि ये स्मोक सिर्फ हमें नहीं इफ़ेक्ट कर रही, ह्यूमन्स को, हमारे साथ और भी बहुत जाने, हमें उनको भी देखना पड़ता है। तो अवेयरनेस के लिए ये वाला दिन है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर वल्चर्स, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, जिनमें से 5 ये हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ड्स एनिमल्स हैं जिन्हें कंजर्व कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान, WWF, हवा कवर्सी ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ द साउदर्न सिंध एंड कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर एट छांगामांगा, ये सारे वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें भी इनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत हेल्प करनी चाहिए। ये मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू।